Good morning, dear friends, and what a wonderful day it is. सुप्रभात मेरे मित्रों और कितना अद्भुत दिन है ये. God's mercy and faithfulness has given us this beautiful day. और परमेश्वर की दया और करुणा में उसने एक और नया दिन हमें दिया. So let us listen to Him to begin our life today. और आइए हम उसे सुने कि हम अपने जीवन की शुरुआत करने पाएं. May this word meditation helps you to adjust your life. और होने दे ये मनन आपकी सहायता करे कि आप अपने जीवन को समयोजित करने पाएं. So for today's meditation, let us read from Isaiah chapter 43 verses 22 to 24. और आज के मनन के लिए हम यशया नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय और 22वें वचन से लेकर 24वें वचन तक पढ़ेंगे. Here is something that God is speaking about his people Israel. और यहाँ पर एक ऐसी बात है जो परमेश्वर अपने लोग इज़राइल के विषय में कहता है. The descendants of Jacob. जो कि याकूब की पीढ़ी है. Let me read it in English first. और मैं अंग्रेजी में पहले पढ़ूंगा. And then listen to Hindi. उसके पश्चात आप इसका हिंदी अनुवाद सुने. Yet you did not call upon me, O Jacob. But you have been weary of me, O Israel. You have not brought me your sheep for burnt offerings, or honored me with your sacrifices. I have not burdened you with offerings, or wearied you with frankincenses. You have not bought me sweet cane with money, or satisfied me with the fat of your sacrifices, but you have burdened me with your sins. You have wearied me with your iniquities. तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इज़राइल, तू मुझसे उकता गया. मेरे लिए होम बलि करने को तू मेमने नहीं लाया, और न मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की है. देख, मैंने अन्न बलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, ना तुझसे धूप लेकर तुझे थका दिया. तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपए से मोल नहीं लाया, और ना मेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया. परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है, और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है. Now these verses make sad reading. और ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो एक दुखद भावना हमारे पढ़ते समय हमारे मनों में आती है. But they are the true reflections of the failure of man to cope or come to terms with God. लेकिन ये वचन वास्तविक रूप में एक सत्य प्रकाशन है मनुष्य के उस असफलता के विषय में कि वो परमेश्वर के संग समयोजित ना होने पाया. It means simply and plainly that the only thing God could expect from man is utter failure. और ये साधारण और स्पष्ट रूप से सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि एक बात जिसकी आशा परमेश्वर ने मनुष्य से लगाई और देखी वो थी सिर्फ असफलता. And so the title of today's meditation can be failure of man to cope. और इसलिए आज के मनन का अगर शीर्षक देना हो तो वो होगा मनुष्य की असफलता परमेश्वर के संग खुद को समयोजित करने में. इट मीन्स सिंपली एंड प्लेनली दैट मैन हैज अ टेंडेंसी टू कंटिन्यूअसली फेल गॉड. और इसका मतलब साधारण शब्दों में ये है कि मनुष्य के पास ये भावना या ये प्रभाव या ये स्वभाव है कि वो निरंतर परमेश्वर को असफल करता है. इन दिस पैसेज और इस वचन के इस भाग में द एंशिएंट पीपल ऑफ गॉड फेल्ड इन थ्री थिंग्स. जो परमेश्वर के लोग थे वो तीन बातों में असफल हो गए. नंबर वन, पहली बात, दे फेल्ड इन प्रेयर और इन इंटरसेशंस बिफोर गॉड. वो प्रार्थना या मध्यस्थता की प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख रखने में असफल. That is the first thing that is mentioned. और वो पहली बात है जिसके विषय में परमेश्वर उनसे कहता है. You did not call upon me, O Jacob. तो भी है याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की. That is the first thing. ये वो पहली बात है. Failure to pray for God's mercies. और वो असफलता, वो असफल हो गए कि प्रार्थना करे परमेश्वर की दया और कृपा की. Secondly, दूसरी बात, they have failed in dedication. वो समर्पण करने में या समर्पित करने में भी असफल हो गए.
So that is the second thing mentioned. और वो दूसरी बात यहाँ पर लिखी है. You have not brought me sheep for burnt offerings. मेरे लिए होम बलि करने के लिए तू मेमने नहीं लाया. And nor honored me with your sacrifices. और ना मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की है. So there is no prayer or seeking God. और इसलिए वहाँ पर प्रार्थना नहीं, मध्यस्था नहीं. There is no dedication shown to God by offering to God His what is due to Him. और ना ही कोई समर्पण या भक्ति ये बलियां चढ़ाने के द्वारा जो परमेश्वर मांगता था. And then thirdly, और तीसरी बात, they failed in the ministrations of to God. और वो उन सेवकाइयों में असफल हो गए जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपी थी. On the other hand, लेकिन दूसरे हाथ पर, they became a burden to God. वो परमेश्वर के लिए एक बोझ बन गए. And so God says, और इसलिए परमेश्वर कहता है, you have burdened me with your sins. परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है. I mean, there is no sadder words than that. और इससे दुखद शब्द और हो ही नहीं सकते. Burdening God. कि परमेश्वर पर बोझ लादना. And please remember every time you sin, you are burdening God. और कृपया करके इस बात को याद रखिए, जितनी बार आप पाप करते हैं आप परमेश्वर पर बोझ लादते हैं. And then again God says, और फिर परमेश्वर कहता है, Not only you burden me with your sin, but you wearied me with your offenses. कि ना केवल तूने अपने पापों से मुझ पर बोझ लादा, लेकिन अपने अधर्म के कामों से मुझको थका दिया. It's if you think that you will be prosperous, you will enjoy your life by burdening God and neglecting God and wearying God. क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर को ठेस पहुंचाने के द्वारा, उस पर बोझ लादने के द्वारा या उसे थका देने के द्वारा आप उसे प्रसन्न करते हैं? So what is God's answer to this? और परमेश्वर का क्या उत्तर है इनके विषय में? Verses 25 and 26. और 25वां और 26वां वचन. I am He who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. Put me in remembrance. Let us argue together. Set forth your case that you may be proved right. मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा. मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें और तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे. इट इज द नेचर ऑफ गॉड टू केयर. और ये तो परमेश्वर का स्वभाव है कि वो आपकी चिंता करे. That's what these two verses reveal. और यही बात ये दो वचनों में दिखती है. God is waiting to make everything new. और परमेश्वर तो इंतजार कर रहा है कि हर एक बात को नया बना दे. The old ways will disappear. और पुरानी बातें चली जाएंगी. And your wearisome ways with God will disappear. और आपका वो परमेश्वर को थकाना और बोझ लादना चला जाएगा. Because He is waiting to forgive our sins. क्योंकि वो तो इंतजार कर रहा है कि हमारे पापों को क्षमा कर दे. For God, you know, is more ready and prepare to forgive than to judge. क्योंकि परमेश्वर तो कहीं ज्यादा तैयार है क्षमा करने के लिए इसकी बजाय कि वो हमारा न्याय करे. He is ready to purge our iniquities. और वो तो तैयार है कि हमारे पापों को हमसे दूर कर दे. And blot out all our transgressions. और हमारे अधर्मों के कार्यों से हमें आजाद कर दे. That is in verse 26. और इसी बात को 26वें वचन में हम देखते हैं. God always keeps His promises. याद रखिए, परमेश्वर हमेशा अपना वादा रखता है. Always remember. हमेशा याद रखिए. He is a merciful God. वो एक दया का परमेश्वर है. His mercies work stronger than his wrath. और याद रखिए, उसकी दया कहीं ज्यादा है उसके क्रोध से. God always keeps His promises. और परमेश्वर हमेशा अपने वादों को बनाए रखता है. He forgives. और वो माफ करता है. He purges our iniquities. वो हमारे अधर्मों के कार्यों को हमसे दूर करता है. He takes us back to Himself. और वो इन सारी बातों को हमसे अलग कर देता है. If we only come to Him. और सिर्फ अगर हम उसके निकट आ जाएं. Through our intercession. हमारी मध्यस्थता के द्वारा. And let us always honor God. और हमेशा उसका आदर करें. Now, there are people in the Bible who have gone through crises.
और ऐसे लोग हैं बाइबल या पवित्र शास्त्र में जो बुरी परिस्थितियों से निकले, यू नो स्पेशली अपोस्टल पॉल, खास रीति से पौलुस प्रेरित, इन हिज लाइफ एंड मिनिस्ट्री अनटू द लॉर्ड, और अपने उस जीवन और सेवकाई में परमेश्वर के लिए, ही फेस्ड क्राइसिस, उसने कई प्रकार की समस्याओं का सामना किया। इन 2 Timothy 4:17 दूसरा तिमोथियस 4:17 वचन में, लेट अस लुक इनटू इट एंड सी व्हाट इट सेज, आइए हम उसे देखें और पढ़ें। Apostle Paul had many followers. Paulus प्रेरित के पास कई सारे अनुयायी थे. And some of them always followed him wherever he went. उनमें से कई उनके उसके पीछे चले जहाँ कहीं वो गया. But at the same time, लेकिन साथ ही साथ, there are people who left him. ऐसे कई लोग थे जिन्होंने पौलुस को छोड़ दिया. Who denied him. उसका तिरस्कार किया. And thus he lost their companionship. और इसके द्वारा वो उन लोगों की सहभागिता उसने खो दी. That's what 2 Timothy 4:7 says. और दूसरा तिमोथियस 4:7 वचन में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है. And Apostle Paul is saying, after mentioning people who betrayed him. और उन लोगों के विषय में बात करने के बाद जिसने उन्हें धोखा दिया, See, these are some of the battles he has gone through. और ये वो कई लड़ाइयां हैं जिसका सामना पौलुस ने किया. He faced crisis. उसने कई समस्याओं का सामना किया. And he says here, that's I fought a good fight. लेकिन वो यहाँ पर कहता है, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी. He did not allow these betrayals of my friends to make him bitter. और उस लड़ाइयों ने और इन धोखों ने उसको कड़वाहट उसके अंदर नहीं लाने दी. He did not allow these crises to overwhelm him. और इन समस्याओं ने उसको परेशान करने का मौका उसने नहीं दिया. And then in chapter 23:11 और 23वां अध्याय 11वां वचन प्रेरितों के कार्य. Apostle Paul is talking about some others who left him. और प्रेरितों के कार्य 24वें अध्याय में पौलुस कुछ और लोगों के विषय में बात करता है जिन्होंने उसे छोड़ दिया. क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी है. He was in Jerusalem. वो यरूशलेम नगर में था. He was caught by his enemies. और उनके शत्रुओं के द्वारा वो पकड़ लिया गया. And persecuted him. और उसका सताव हुआ. And he was so discouraged. और वो इतना निराश हो गया. And many people turned against him. और कई सारे लोग उसके विरुद्ध खड़े हो गए. And he went to bed that night. और उस रात वो जब बिस्तर पर लेटा. But God came to him. लेकिन परमेश्वर उसके निकट आया. How he encouraged him. और कैसे उसे प्रोत्साहित किया. Paulus, don't be afraid. कि घबरा मत. Just like you bore witness for me in Jerusalem, जैसे यरूशलेम में तूने मेरी गवाही दी, you will go to Rome and stand before Nero and be a witness. रोम में भी तू जाकर मेरी गवाही को देगा. Then in verse 27:23, 27वां अध्याय 23वां वचन. क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा. Paul was in a shipwreck. और पौलुस एक ऐसे स्थान पर था जहां उसकी नाव टूट चुकी थी. He is going to Rome to stand before Nero, before the emperor, and he was going there as a prisoner. और एक बंदी के रूप में वो रोम की ओर जा रहा था कैसर के सामने गवाही देने के लिए हथकड़ियों में बांधा हुआ. And then what happened with the ship? और उस नाव के साथ क्या हुआ? But Paul is encouraging other passengers. लेकिन दूसरे यात्रियों को पौलुस ये कहकर साहस देता है. Who thought death was certain? और जो इस बात को मान लिए थे कि मृत्यु होना अब निकट है. He stood up and said, "Men, be courageous." वो कहता है कि लोगों साहस बांधो. And how he became so free and free of any kind of fear or anxiety. और वो हर प्रकार की निराशा और भय से आजाद हो गया. As God stood by his side that night. और परमेश्वर उसके बगल में खड़ा हुआ उस रात. And spoke to him. और उससे बात की.
And thus he became a witness to all 276 passengers. और इसलिए वो 276 उन नाविकों और यात्रियों के लिए गवाह ठहरा. I have a feeling that most of them acknowledge Christ as Lord. मेरा तो मानना ये है कि उनमें से ज्यादातर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया. What a God we have. और कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे पास. And so always remember. और इसलिए हमेशा याद रखिए. God is always ready to restore us and forgive us and give us a new. परमेश्वर तो हमेशा तैयार है कि हमें वापस ले आए, हमें क्षमा कर दे. And we can then easily cope with God. और इसलिए हम परमेश्वर के संग संयोजित हो जाएं. God is not a hard taskmaster. याद रखिए परमेश्वर कोई कठोर श्रम कराने वाला मालिक नहीं. But he certainly will not compromise. लेकिन वो निश्चित ही है कोई समझौता नहीं करेगा. His uncompromising nature is one thing that makes men feel that it is difficult to cope with God. और उसका ना समझौता करने वाला स्वभाव ही है जो मनुष्यों को ये महसूस कराता है कि उसके संग समयोजित होना बड़ा मुश्किल है. But in reality, लेकिन वास्तविकता में God is a kind, merciful God. परमेश्वर तो एक भला और नम्र परमेश्वर है. If you remain in your wrong way, अगर आप अपने गलत तरीकों में रहे, you will be lost eternally. तब आप अनंत के लिए खो जाएंगे. That should not happen. और ऐसा नहीं होना चाहिए. And may God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. That you will find His grace sufficient. ताकि आप उसके अनुग्रह को पर्याप्त पाएं. And don't think God is a taskmaster. और ये ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर श्रम कराने वाला कोई मालिक. He is a forgiving God. वो तो माफ करने वाला परमेश्वर है. But His uncompromising nature is there is no forgiveness without repentance. लेकिन उसका ना समझौता करने वाला जो स्वभाव है वो ये है, क्षमा तब तक नहीं जब तक कोई पश्चाताप नहीं. Return to God in repentance. और इसलिए मन फिराएं, पश्चाताप करें और परमेश्वर के निकट आएं. He is actually waiting to receive you. और वो इंतजार कर रहा है आपको गले लगाने के. Like the father of the prodigal son. जैसे उस उड़ाव पुत्र के पिता के समान. And never be disheartened or give up. और इसलिए कभी भी निराश ना हो. Come to God. परमेश्वर के निकट आ जाओ. He will restore you. और वो आपको दोबारा अपने पास ले आएगा. Lord God Almighty. हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर. We need the Holy Spirit. हमें तेरे पवित्र आत्मा की आवश्यकता. For it is the Holy Spirit that enables us, give us the courage to come to you. क्योंकि ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें साहस देता है तेरे निकट आने का. And restore us to God. और हमें वापस परमेश्वर से मेल मिलाप कराता. We thank you, Father. धन्यवाद पिता. Merciful God. दया का परमेश्वर. Let your name be glorified. तेरा नाम महिमा पाए. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको. This is a great day. एक महान दिन है. And enjoy this day. इस दिन का आनंद लें. And at the end of the day, lift up your hands to God in praise and worship and say, I love you, Lord. और इस दिन के अंत में अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का स्तुतिगान करें. Amen. Amen.